तो क्लैडोफोरा हो गया, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, क्लोरेला, कारा, ठीक है, और वॉल्वैक्स। क्लोरेला, क्लोरेला, कारा और वॉल्वॉक्स, ठीक है। ये चीज़ जो है मतलब पूरा तुम लोग याद कर लेना, समझ में आया ना जी। ये एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल तुमको याद रहेगा तभी कुछ पता रहेगा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल पूरा का पूरा ढंग से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अगला है फियोफाइसिए ब्राउन एल्गी, अगला क्या है, फियोफाइसिए ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये नोट करो फटाफट से, एग्जाम्पल है, नोट हो गया, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा फियोफैसिए के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फियोफैसिए, ठीक है ना, मीनिंग देख लेना तुम लोग अपना, ठीक है। इसे हम ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, किस एल्गी के नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्गी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, समझ में आया। इसका भी हैबिटेट क्या होता है, मोस्टली मरीन होता है, ये पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। हैबिटेट क्या होता हैबिटेट मोस्टली मरीन होता है, ठीक है ना, लेकिन एक्वेटिक ही होता है, ध्यान रखना ये, क्योंकि पूरा का पूरा एल्गी ही क्या होता है, एक्वेटिक होता है। इसका जो स्ट्रक्चर और फॉर्म होता है वो जनरली क्या होता है, जनरली फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना, पर फ्यूजली ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है ना, लेस ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए लिखना है फिलामेंटस भी हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, फिलामेंटस भी होगा, फिलामेंटस भी होगा, फिलामेंटस में ब्रांच भी हो सकता है, ठीक है ना, कई ब्रांच भी बन सकता है, पर फ्यूजली ब्रांच्ड, ठीक है, पर फ्यूजली ब्रांच्ड। देखो कभी कभी, कभी कभी जो है मतलब क्या होता है, ऐसे ब्रांच निकलते निकलते, ठीक है, कई सारा ब्रांच बन जाता है, एकदम लंबा लंबा ब्रांच बन जाता है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा जाइलम फ्लोएम वाला सिस्टम तो है नहीं, इसको इतना दूर पानी भोजन नहीं पहुंच, इसको जहाँ तक मिनरल्स मिलता जाएगा, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये लंबा होता चला जाएगा, ठीक है ना। साइज इसका बहुत बड़ा हो सकता है, 100 मीटर लंबा लगभग, साइज इसका लगभग कितना हो सकता है, 100 मीटर लंबा हो सकता है, लॉन्ग, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है केल्प, क्या है इसका एग्जाम्पल, केल्प, केल्प नाम का एक ऐसा एल्गी है जो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, और इसका साइज क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है, समझ में आया ना, इसका साइज क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका जो जनरली देखो, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर में एक चीज़ जो है सो ध्यान रखना, होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रॉन्ट भी होता है, समझ में आया, ये एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया ना जी। ये जो इसका तीन हिस्सा होता है, नीचे में जिससे ज़मीन से लगा रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, समझ में आया। इसे हम स्टाइप बोलते हैं, इसके गर्दन को क्या बोलते हैं, स्टाइप, और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं। इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, इसका शेप क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सबसे ऊपर क्या होगा, फ्रंट होगा, ठीक है, नीचे उसके बाद बीच में क्या होगा, स्टाइप होगा, और फिर होल्ड फास्ट होगा। इसका सेल डिटेल जनरली हम तुमको बता रखे हैं, इसके जो सेल वाल होते हैं, सेल में क्या होता है, दो तरह का कंपोनेंट पाया जाता है, इसके सेल में क्या होता है, दो तरह का कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है ना, सेल वाल, सेल वाल में जो है मतलब क्या होता है, जो ग्रीन एल्गी होता है उसमें क्या बताया था, सेलुलोज प्लस पेक्टिन होगा, इसमें क्या होगा, सेलुलोज प्लस एल्जीन होगा, सेलुलोज प्लस एल्जीन होगा, सेल वाल में क्या होगा, सेलुलोज प्लस एल्जीन होगा, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हाँ थोड़ा बहुत जो है सो पेक्टिन भी रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहता है, पेक्टिन भी रहता है, समझ में आया ना, ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम पेक्टिन भी। अब इसका थोड़ा फ्लैजिला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, फ्लैजिला देख लेते हैं, कैसा होता है इसका फ्लैजिला। देखो फ्लैजिला में क्या होता है, ठीक है, फ्लैजिला इसमें दो लैटरल और अनइक्वल फ्लैजिला होता है, क्या होता है,
दो दो, ठीक है, एक और दो। लेटरल, लेटरल का मतलब साइड होता है, ठीक है, टू, लेटरल का मतलब साइड, लेटरल और अनइक्वल, ये बड़ा है ये छोटा है, अनइक्वल है, अन इक्वल फ्लैजला, अन इक्वल फ्लैजला, समझ में आया, टू लेटरल अन इक्वल फ्लैजला, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, पिगमेंट की अगर इसमें हम बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, समझ में आया। इसमें जनरली इसका पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसके अगर पिगमेंट की हम बात करते हैं, पिगमेंट की बात अगर करते हैं हम, तो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके अलावा भी एक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। ये इसका क्या है? पिगमेंट है, समझ में आया ना, ये इसका क्या है? पिगमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत। और फ्यूकोजेंथिन का कलर कैसा होता है जी? ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए जो है सो ब्राउन एल्गी को ब्राउन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो है सो इसमें क्या पाया जाता है? फ्यूकोजेंथिन, और जो इसको ब्राउन कलर देता है, ठीक है ना, ब्राउन कलर। फ्यूकोजेंथिन का कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। जो इसका स्टोरेज फॉर्म होता है, स्टोरेज फॉर्म इसका लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल होता है। इसका जो स्टोरेज फॉर्म होता है वो क्या होता है? लेमिनेरियन, लेमिनेरियन स्टार्च एंड मैनीटोल, ठीक है ना, लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल होता है, ठीक है ना। इसका स्टोरेज फॉर्म लेमिनेरियन स्टार्च और मैनीटोल होता है। हाँ, न्यूट्रिशन जो है सामने इस पूरे का पूरे एल्गी का क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक ही होता है। इसमें जो है मतलब कुछ बताने उताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? न्यूट्रिशन इसका होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटो ट्रॉफिक होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होगा तो न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करेगा? बाय फोटोसिंथेसिस, बाय फोटोसिंथेसिस। और अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी देगा ही देगा, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनिक, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला है थोड़ा सा रिप्रोडक्शन, इसका जो है हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, तीन तरह का इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है, समझ में आया। तीन तरह का इसमें भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। ये बार बार ये क्यों छूट रहा है? दिखाई देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तीन तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पहला वेजिटेटिव, क्या होता है? वेजिटेटिव। अगला एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तीन तरह का रिप्रोडक्शन इसमें भी हमें देखने के लिए क्या होता है? मिलता है, समझ में आया ना। वेजिटेटिव में क्या होता है? तो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये चीज़ सब कोई लिख लो। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट बनना, समझ में आया ना। एक हिस्सा टूट करके क्या हो जाएगा? दो हिस्से में बन जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगला जो ए सेक्सुअल में क्या होता है? स्पोर बनता है, पता है ना जी। और स्पोर में भी कौन सा स्पोर बनता है? जू स्पोर बनता है, जू स्पोर बनता है। और जू स्पोर में भी कौन सा? इक्वल और लेटरल। ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो जू स्पोर के माध्यम से इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है? तो तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगेमस भी होता है, आइसोगेमस भी होता है, एनआइसोगेमस भी होता है, एनआइसोगेमस भी होता है, ठीक है। और उगेमस भी होता है, उगेमस भी होता है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब है अगला हमारा रोडोफाइसी, क्या है? रोडोफाइसी। लेकिन
रोडोफाइसेस से पहले तुमको जो है हम ये सोच रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल लिखवा दें, ठीक है, इसका क्या लिखवा दें, एग्जाम्पल लिखवा दें, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी का थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो और इसको एक जगह लिख करके लर्न कर लेना, एकदम जितना रटना हो रट लेना। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनेगा तो एग्जाम्पल से बनेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के अलावा और भी है कुछ कुछ टॉपिक जहाँ से ये बना सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से जो है सो इसका क्या होता है, जनरली क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया ना जी, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो। इक्टोकार्पस कैल्प लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस कैल्प लेमिनेरिया, ठीक है, इक्टोकार्पस कैल्प लेमिनेरिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, कुछ कुछ और होता है, ये क्या बोलते हैं, लेमिनेरिया, सार्गेसम, सार्गेसम डिक्टियोटा और फ्यूकस, दिख रहा है ना जी। फ्यूकस, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अगला है हमारा रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा, रेड एल्गी, अगला क्या है हमारा, रेड एल्गी, रोडोफाइसी, ठीक है, रोडोफाइसी रेड एल्गी को कहते हैं। हैबिटेट इसका भी जो है मतलब मरीन होता है, हैबिटेट इसका क्या होता है, हैबिटेट इसका भी मरीन होता है, ठीक है। और कभी कभी ये डीप सी में भी पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, डीप सी, यानी कि समुद्र के बहुत नीचे भी पाया जाता है, समुद्र के बहुत नीचे भी पाया जाता है। समझ में आ गया ना जी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है मल्टी सेलुलर भी होता है और फिलामेंटस भी होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस भी होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस भी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल डिटेल की अगर बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज तथा काराजिन का बना रहता है, ठीक है। इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल वो सेलुलोज एंड काराजिन, सेलुलोज एंड काराजिन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक अलावा थोड़ा सा और किसी कोई कंटेंट रहता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीस्टर, पॉलीस्टर सल्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, जिसका सेलवाल पाया जाता है, सेलवाल के अंदर में जो है सो पाया जाता है। समझ में आ गया। हाँ, फ्लैजिला अब्सेंट होता है, हम पहले ये बता दिए हैं, फ्लैजिला क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, फ्लैजिला अब्सेंट होगा, जिस फ्लैजिला अब्सेंट होने की वजह से नॉन मोटाइल भी होगा, फ्लैजिला क्या होगा, अब्सेंट होगा, और इस अब्सेंट की होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉन मोटाइल हो जाएगा। नॉन मोटाइल का मतलब ये कभी चल नहीं पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना, एक जगह से दूसरे जगह पे ये कभी मूव नहीं कर पाएगा। इसमें के अंदर में जो पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट जो होता है इसके अंदर में, पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी, इसमें ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और एक और जो है सो मतलब इसमें एक कम पिगमेंट दिखता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रेड दिखता है, उसे हम बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन, क्या बोलते हैं उसे, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। समझ में आया, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से क्या दिखता है, ये रेड दिखता है। समझ में आया ना। अगला इसका स्टोरेज फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है फ्लोरी, ये क्या बोलते हैं, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। इसके अगर स्टोरेज फॉर्म की अगर हम बात करें, लिखेंगे स्टोरेज फॉर्म, स्टोरेज फॉर्म क्या होता है, फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। समझ में आया, ये इसका क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हाँ, जो कि जो है मतलब एक ग्लाइकोजन की तरह दिखता है, ठीक है ना, ये किसकी तरह दिखता है, ग्लाइकोजन, जैसे ग्लाइकोजन लाइक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। न्यूट्रिशन इसका जो है सो सब जानता है क्या होगा, न्यूट्रिशन इसका होगा जनरली ऑटोट्रॉफिक होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा,
ऑटोट्रॉफिक होगा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, फोटो सिंथेसिस, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन भी बनाएगा, ऑक्सीजेनिक, ठीक है। न्यूट्रिशन होगा तो ऑटोट्रॉफिक तो होगा ही, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक अगर मान के चलो अगर होगा तो यानी कि अपना भोजन क्या किया, ये स्वयं बना लिया, है ना, अपना भोजन स्वयं बना लिया। अब इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तीन तरह का रिप्रोडक्शन इसमें भी होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इसका कैसा होगा, रिप्रोडक्शन इसका कैसा होगा, रिप्रोडक्शन जो है सो मतलब तीन तरह का होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये तीन तरह का जो है इसमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तीन तरह का क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। जो वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये तो सबको पता है, वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन होगा यानी कि फ्रेगमेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्रेगमेंट बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा यानी कि एक हिस्से से वो टूट करके क्या हो जाएगा, बहुत सारा हिस्सा बना लेगा, समझ में आया ना। और उसके बाद एसेक्सुअल कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, एसेक्सुअल कैसा होगा, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन से ही होगा, स्पोर फॉर्मेशन से होगा, बाय स्पोर होगा, और जो इसका स्पोर बनेगा वो नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल, ठीक है, कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल जो होगा, जिस जो स्पोर नॉन मोटाइल होता है वो क्या होता है, उसे हम एप्लैनो स्पोर कहते हैं, एप्लैनो स्पोर भी कहते हैं, समझ में आया, उसे हम एप्लैनो स्पोर कहते हैं। सेक्सुअल में तीन जो है सो रेड एल्गी में हमेशा ऊगेमस होता है, क्या होता है, ऊगेमस होता है, रेड एल्गी में हमेशा क्या होता है, ऊगेमस, ठीक है ना, ऊगेमस यानी कि फीमेल गैमेट बड़ा, सॉरी हाँ फीमेल गैमेट बड़ा और मेल गैमेट छोटा, समझ में आया, कोई दिक्कत, इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है ना, एग्जाम्पल लिख लो, इसका नोट हो गया वो सब सारा चीज़, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, ठीक है, तो लिखो पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, उसके बाद इक्टोकार्पस होता है, ठीक है ना, पॉलीसाइफोनिया, सॉरी इक्टोकार्पस तो ब्राउन एल्गी में होता है, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया देखना पड़ेगा, पोरफायरा जिलेडियम, पोरफायरा जिलेडियम, ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया, ठीक है ना, पोरफायरा जिलेडियम, ग्रासिलेरिया, ठीक है, और पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, ये चार ही एग्जांपल है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना, देखो ये कई बार टीचरों के भी दिमाग से स्किप कर जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। बाद बाकी एल्गी का टॉपिक हमारा ख़त्म रहा, हम देख लिए कि अब हमारा प्लांट का ओरिजिन पानी में हुआ है, अब ये पानी में से उठ करके धरती पे कैसे पहुंचेगा, ये कल हम लोग देखेंगे, समझ में आया। और अगला टॉपिक है हमारा ब्रायोफाइट्स, ठीक है, उसी के साथ साथ अगला हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे।